नमस्ते बच्चों, ये बेसिकली क्लास 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 है। ऑलरेडी जो पहला तीन चैप्टर है, जैसे कि ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है क्लास 10 का SST का, जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। सेकंड चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज। एंड ये फोर्थ चैप्टर है एग्रीकल्चर। पहला तीनों चैप्टर का वीडियो ऑलरेडी आपके इस चैनल पर प्लेलिस्ट, अगर आप जाइएगा क्लास 10 का, उसमें पड़ा हुआ है। और ये फोर्थ चैप्टर हम डाल रहे हैं ज्योग्राफी का, मे बी आपको अच्छा लगे तो ज़रा देखिएगा। हम बस चैप्टर समझा रहे हैं, बार बार कहते हैं मेरा वीडियो उसका पर्पस रहता है चैप्टर पढ़ाना नहीं, चैप्टर समझाना होता है कि क्या चैप्टर से आ सकता है, क्या आता है और क्या पूछा जाता है। तो ये सब हम बताने की कोशिश करते हैं। इस बार भी हम वही काम कर रहे हैं कि शॉर्ट टाइम में आपको पूरा चैप्टर समझाना है कि क्या पूछा जाता है, क्या आता है, क्या नहीं आता है, बस हम ये दिखा रहे हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं एग्रीकल्चर नाम का चैप्टर। तो सबसे पहला चीज़ जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वो है आपका कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग। आपको ये पढ़ के जाना पड़ेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग जो होता है इंडिया में होता है। जैसे कि सबसे पहला आप नाम अगर आप ढूंढते हैं तो सबसे पहला नाम है आपका ये रहा, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो ये आपको नाम पढ़ के जाना पड़ेगा, व्हाट इज कॉल्ड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, जिसको आप लोग जूम कल्टिवेशन भी कहते हो, जिसको स्लैश एंड बर्निंग कल्टिवेशन भी कहते हो, जिसको शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी कहते हो। तो इसको डिफरेंट नाम से जाना जाता है। और ये आपको कन्फर्म, ये टॉपिक जो देख रहे, इतना टॉपिक, ये टॉपिक आपसे पूछेगा ही पूछेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इस कंट्री में क्या कहा जाता है, मिल्पा किस कंट्री में कहा जाता है और रोका किस कंट्री में कहा जाता है। तो ये सीधा आपसे पूछ दिया जाता है। ओके, तो पहला चीज़ आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ फार्मिंग के अंदर कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग होता है। दूसरा क्या होता है, तो आपका देख यहाँ पा रहे, दूसरा होता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। और तीसरा क्या होता है, तीसरा है कमर्शियल फार्मिंग होता है। और कमर्शियल फार्मिंग के अंदर में भी एक नाम पढ़ना है, दैट इज़ कॉल्ड द प्लांटेशन क्रॉप। व्हाट इज़ कॉल्ड प्लांटेशन क्रॉप, एग्जाम में सीधा पूछ दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, तो आपको ये लिखना आना चाहिए। तो ये चार चीज़ हमने अभी यहाँ पर पढ़ा। सबसे पहला चीज़ कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग, तीन नाम पढ़ के जाइएगा, प्रिमिटिव, इंटेंसिव एंड कमर्शियल। एंड कमर्शियल के अंदर में प्लांटेशन। और ये जूमिंग के बारे में प्लीज़ खास करके पढ़ के जाइएगा, सीधा कोई नाम देके आपको इसमें सवाल पूछ दिया जाएगा। तो ये हो गया दो पेज, और कुछ और बात सुन लीजिए। लगभग 16 चैप्टर का पेज है, 16 पेजेस का चैप्टर है। एंड 16 पेजेस में से लगभग 10 ही पेजेस जो आपको पढ़ने लायक है, बाकी सब इधर उधर की कुछ कुछ बातें भर दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट चीज़ आपको वेरी इंपॉर्टेंट जो कंफर्म आपसे पूछेगा वो है ये रहा क्रॉपिंग पैटर्न। आपने पढ़ा होगा भारत में तीन क्रॉपिंग पैटर्न होता है, रबी, खरीफ, जैद। कौन से लेके कौन से महीने में किसको कहते हैं और उसमें क्या उगाया जाता है, आपको ये पढ़ के जाना है। तीनों के बारे में एक एक पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया है, तो आपको ये पढ़ के जाना है। ओके, तो ये आपका टास्क रहेगा। इसके अलावा ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हो, ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के जो मेजर क्रॉप्स होता है, जिसमें राइस आता है, जिसमें वीट आता है, जिसके नेक्स्ट पेज में ज़रा ज़रा देखिएगा, ये रहा वीट आता है, इनमें पढ़ना क्या है। तो इनमें आपको पढ़ना है कि ये कैसे क्रॉप है एंड ये कौन से क्लाइमेटिक जोन्स में उगता है, इनका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इनके लिए रेनफॉल कितना होना चाहिए, इनका कौन सा सीजन होना चाहिए। तो आपको ये सारे चीज़ें कवर करके यहाँ पर जाना पड़ेगा। नॉट ओनली राइस एंड वीट, आपको और भी चीज़ें पढ़ना है। जैसे कि आप नीचे आइएगा तो देखिए अगला नाम मिलेट्स। मिलेट्स के अंदर ज्वार, बाजरा और रागी ये सब आते हैं, तो आपको ये पढ़ के भी जाना है। और इन सबको ही क्या कहते हैं, कोर्स ग्रीन कहा जाता है, तो ये आपको याद करके जाना है। देन फोर्थ नंबर पर अगर आप आइएगा तो यहाँ पर देखिए अगला है मेज क्या होता है, इसके बारे में जो चीज़ें हैं आपको ये पढ़ के जाना है। देन पल्सेस जो होता है, मतलब चना दाल ये सब जो होता है, इसके बारे में पढ़ के जाना है आपको। देन इसके बाद आपको फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, ग्रेन्स के अलावा भी कुछ चीज़ें इंडिया में हम लोग बहुत उगाते हैं, जैसे कि शुगर केन। इसमें भी आपको एक एक करके सवाल पूछ देगा कि पहले के टाइम में शुगर केन की खेती सबसे ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में होता था, बट आज के टाइम में ये साउथ इंडिया, कर्नाटका की ओर शिफ्ट कर रहा है, इसका मेजर रीज़न क्या, आपको रीज़न पूछ दिया जाएगा। एंड ये भी पूछ दिया जाए कि शुगर केन से होने वाले अलग अलग प्रोडक्ट्स का नाम बताओ, जैसे कि शुगर होता है गुड़, या तो जैगरी होता है, कंडसारी होता है, मोलसस होता है, तो आपसे ये सीधा पूछ देगा व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर केन। ओल्ड सीड्स के बारे में दिया गया, आपको ये पढ़ के जाना है ओल्ड सीड्स के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। देन टी एंड कॉफ़ी, ज़रा प्लीज़ सुनिएगा, टी एंड कॉफ़ी दोनों में से एक पूछने की संभावना हद से ज़्यादा है, या तो टी पूछेगा या तो आपसे कॉफ़ी पूछेगा। उसी तरह जो थोड़ी देर पहले हम आपको बोले थे, जैसे एक नाम याद है आपको, राइस एंड वीट, दोनों में से एक कन्फर्म पूछेगा। तो ये कुछ चीज़ें जो आप समझ सकते हैं कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। एंड अगला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या होता है। हॉर्टिकल्चर जितना सब्जी, ये फल वल जो भी उगाते हो, इसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन उगाता है, सेकेंड नंबर पर कौन उगाता है, तो ये सारे डेटास भी आपको पढ़ के जाना है। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तो चेरापूंजी, आज के टाइम में तो मौसिनराम में होती है, तो ये सब जान के जाइएगा। कुछ नॉन फूड क्रॉप जिसमें रबर आता है, और क्या आता है ज़रा देखिएगा,
फाइबर क्रॉप जिसमें आप कॉटन कह सकते हो, एंड फर्स्ट थ्री कहाँ पर हुआ, इसको सेरिकल्चर किसको कहते हैं, तो इस तरह का डेफिनेशन आपको पढ़ के जाना है। देन जूट होता है, मतलब इसमें भी देखिए फिर से एक दो नाम बताते हैं, या तो जूट आपसे पूछेगा या तो आपसे कॉटन पूछेगा, ये दोनों में से एक हर साल आता है, तो आपसे ये भी पूछने की संभावना है। एंड ये टॉपिक भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार या देश क्या क्या कर सकता है, किस तरह टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन की मदद से इसको प्रमोट कर सकता है, किस चीज़ को, इंडियन एग्रीकल्चर को, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देन ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेटेड कुछ बातें आपको पढ़ना है, वाइट रेवोल्यूशन जिसको ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किया गया था, इससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछा जा सकता है, कुछ फुल फॉर्म्स पूछा जा सकता है जैसे कि केसीसी क्या होता है, एंड पेस और क्या होता है, ये गवर्नमेंट के अलग अलग पॉलिसीज है जिसे फार्मर्स को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है, एंड गवर्नमेंट द्वारा क्या क्या किया जा रहा है ये प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए, तो ये सब आपको पढ़ के जाना है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दिखाती है ये रहा कि क्या है बोडान ग्रामदान योजनाओं के, ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहलाता है, किसके द्वारा था, तो विनोबा भावे, कौन है विनोबा भावे, तो ये गांधी जी के एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल हायर थे, मतलब गांधी जी के बेसिकली दो हायर हैं, एक पॉलिटिकल हायर जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू, मतलब वारिस कहा जाता है, हायर मीन्स वारिस, और स्पिरिचुअल हायर का मतलब धार्मिक या जो भी कहो, मतलब उनका उनके मार्गदर्शन पर चलने वाला एक डिसिप्लिन शिष्य थे जिनका नाम था विनोबा भावे, इनके द्वारा किया गया था ये ब्लडलेस रेवोल्यूशन, इससे भी सवाल हमेशा आता है। जीडीपी का डेफिनेशन पढ़ के जाइएगा, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा था कहाँ पर, तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक जो कि आपका इकोनॉमिक का चैप्टर नंबर 2 है, वहाँ पर भी पढ़ना है तो ये आपको ऑलरेडी पता होगा। देन ICAR का फुल फॉर्म क्या है ये पढ़ के जाइएगा। देन इसके अलावा आप नेक्स्ट पेज में यहाँ पर ज़रा आइएगा, तो ये रहा फूड सिक्योरिटी, ज़रा याद कीजिएगा लॉकडाउन के दौरान ये चैप्टर का फूड सिक्योरिटी जो टॉपिक है वो कैंसिल कर दिया गया था, इस बार कैंसिल है कि नहीं है हमको उतना अच्छे से आइडिया नहीं, अगर कैंसिल नहीं होगा तो ये चैप्टर ये टॉपिक कन्फर्म आएगा, इसमें से एक सवाल जो है आपका कन्फर्म आएगा। इसमें भी क्या आएगा, तो PDS के बारे में पूछ देगा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का काम क्या है, या 2 कंपोनेंट्स बताइए नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम का, तो इस तरह से सवाल आपसे पूछ दिया जाएगा। और भी बहुत सारे फुल फॉर्म है जैसे कि MSP क्या होता है, FCI का काम क्या होता है, PDS का फंक्शन क्या है, और डिफरेंट कार्ड्स होता है, आपने सुना होगा कंज्यूमर को अलग अलग कैटेगरी पॉवर्टी लाइन के हिसाब से बांटा गया है, BPL APL एंड अंत्योदय कार्ड भी कहा जाता है, तो APL BPL अंत्योदय कार्ड, ये सब आपको समझ के पढ़ के जाना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप अगला देख सकते हैं, चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है यहाँ पर, ऑलरेडी मतलब ख़त्म ही हो गया, मान लीजिए नाम के लिए थोड़ा बचा रहेगा, HYV सीड्स का एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ के जाइएगा, एंड ग्लोबलाइजेशन नाम का इवन एक चैप्टर आपको पढ़ना है, ग्लोबलाइजेशन इसी साल इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी में ही पढ़ना है, भूल रहे सॉरी, जो भी है ग्लोबलाइजेशन आपको पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में ही पढ़ना है बिलीव, तो ये वही पूछा जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन कैसे इंडियन एग्रीकल्चर को हार्म किया है या प्रमोट किया है, तो वो बताओ, मतलब इसका इम्पैक्ट आपसे पूछा जा रहा है, इम्पैक्ट मतलब असर क्या हुआ ग्लोबलाइजेशन का, क्या है ग्लोबलाइजेशन, सब आराम से पढ़ेंगे। यहाँ पर भी देख रहे चंपारण मूवमेंट से रिलेटेड कुछ सवाल आ रहा है जो कि आपको चैप्टर नंबर 2 ऑफ हिस्ट्री में भी पढ़ना था, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, तो कुछ चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सब देख के जाना है। एंड जीन रेवोल्यूशन क्या था, जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, आपसे ये भी पूछा जाएगा। एंड कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक बातें हैं इकोनॉमिक्स द्वारा बोला गया, तो ये सब एक बार पढ़ लीजिएगा, बस जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा, और इस तरह ये चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म हो जाएगा। आई होप ये 10 मिनट के अंदर अंदर या 9 मिनट के अंदर अंदर आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ गया कि क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, एंड आपको तो लग रहा होगा ऑलमोस्ट सब चीज़ तो इंपॉर्टेंट ही आप बोले हो, बट आई बिलीव एक बार और प्लीज़ ये वीडियो को देखिएगा, आप समझ जाएगा बहुत चीज़ें हमने छोड़ा है, चाहे वो स्टार्टिंग का पेजेस हो, चाहे बीच का कुछ चीज़ें हो, तो आप ये समझ जाइएगा खुद ब खुद। तो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब सब कीजिएगा, एंड रेगुलर हम वीडियो डालते हैं, प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड एंड अप कर रहे हैं, थैंक यू।